रोए क्या बताएंगे। हाँ दोस्तों, 2 महीना का प्रेगनेंसी थे हम, लेकिन वो जो हमारे हस्बैंड भी इतने मतलब साथ देते हैं, ऐसे रहते हैं कि हंसाते खिलाते रहते हैं, है ना। पतली के कारण दर्द ज़्यादा होने के कारण वो अच्छे से नहीं रह पाए, इसीलिए आप लोग से बोल रहे थे कि हम कुछ दिन के बाद आप लोग को बताएंगे ठीक, कितने वीडियो में थे, लेकिन नहीं रहा। भगवान की मर्जी, जो कहते हैं बहुत सारे आदमी भी डॉक्टर से नहीं दिखाते, एनोटंगीबाज है, बहुत सारे आदमी बोले और सारा चीज़ बर्दाश्त किए। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे आदमी हमें कमेंट करके भी बोलते थे कि आरती जी इतना बीमार क्यों पड़ते हैं, अच्छे डॉक्टर से नहीं दिखाते, ये नौटंकीबाज है, बहुत सारे आदमी बोले और सारा चीज़ बर्दाश्त किए हुए। दोस्तों, एक तो बताने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग से शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी इसलिए शेयर कर रहे दोस्तों, कभी घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा हमारे हस्बैंड जी गए, भूसा जानवे कर दी, गेहूँ का भूसा जो गाय भैंस सब खाते हैं वही लाने के लिए गए, अभी खरीदे हैं तो वही लाने के लिए गए हैं। तो दोस्तों क्या बताएंगे, इतना ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गया ना, इतना ज़्यादा कि मत पूछिए। बहुत सारे आदमी बोल रहे थे ना कमेंट में कि आप प्रेगनेंसी हैं क्या, माँ बनने वाले हैं। तो दोस्तों बात सही थी, प्रेगनेंसी में ही उस इंजेक्शन लग रहे थे सेफ्टी के लिए, और जब अल्ट्रासाउंड करवाए तो आप लोग को सारा पुर्जा भी दिखाए, अल्ट्रासाउंड करवाए तो फिर उसमें पतली निकल गया, तो उनका भी तो वो जब दर्द करते थे ना तो पूरा बेचैनी हो जाता था, वो इतना ज़्यादा दर्द करने लगता था ना कि उससे हम बेहोश हो जाते थे, रोना बंद नहीं होता था। आदमी बोलते थे कि व्यू पाने के लिए नौटंकी कर रही है, ऐसे इस तरह मतलब ऐसे आदमी करते, इतना आदमी बीमार पड़ते हैं। कहते हैं दोस्तों, अगर जब मेरे जगह कोई और रहते ना तब उनको पता चलता कि क्या होता है। बहुत सोच लगा दोस्तों, रोते रोते उस रोज़ देखे कि आप लोग आँख कितना ज़्यादा फूल गया था, यही सब इतना टेंशन हुआ, इतना टेंशन हुआ कि हमारे वजह सबको टेंशन हुआ आंगन में, और सबसे ज़्यादा तो हम रोए क्या बताएंगे। था दोस्तों 2 महीना का प्रेगनेंसी थे हम, लेकिन वो जो है ना पतली के कारण दर्द ज़्यादा होने के कारण वो अच्छे से नहीं रह पाए, इसीलिए आप लोग से बोल रहे थे कि हम कुछ दिन के बाद आप लोग को बताएँगे ठीक, कितने वीडियो में बताएं कि आप लोग को ज़रूर बताएंगे सच्चाई, आखिर हम इतना क्यों बीमार हैं और अभी तक देह में ताकत नहीं लग रहा है। दोस्तों मतलब प्रेगनेंसी को अभी वॉश करवाना पड़ा, पूरा मतलब ख़राब हो गया था, ब्लडिंग जा रहा था और दर्द काफ़ी हो रहे थे, और पथरी जो थे वो भी दर्द कर रहे थे दोस्तों, तो दोनों एक ही रोज़ हुआ, उनका भी ऑपरेशन हुआ उसी रोज़ हुआ। क्या करते शरीर में इतना ज़्यादा, बहुत सारे दोस्त लोग बोलते हैं कि जितना आप लोग को सपोर्ट करके क्या करेंगे, जितना रुपया होता है उतना दवाई में ही लग जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए आप ही लोग। काम सोचते हैं, कुछ सोच विचार के करते, फिर भी पता नहीं 2 दिन में दोस्तों 20,000 रुपया मेरे शरीर में लग गया 2 दिन में, अब क्या करेंगे, सब चीज़ तो देखना पड़ता है ना, समझ में नहीं आती है दोस्तों। यही बात आप लोग से शेयर करना था कि क्या बताएंगे, ऐसे तो हम लोग के पास पैसा कमी नहीं रहता, लेकिन मेरे देह में 2 महीना से 40,000 रुपया लग चुका है, और आप लोग को तो आज सच्चाई बता ही दिए, अल्ट्रासाउंड एक बार नहीं 3-3 बार करवाए, तो मतलब एनी टाइम दुखे वाला बात था, इसलिए मतलब कभी कभार वो भी सोचते हैं कि अगर जब पूरा दिल को कमज़ोर कर लेंगे, खुशी से नहीं रहेंगे तो जी नहीं पाएंगे दोस्तों, फिर ज़िंदगी से हम कैसे लड़ेंगे, इसीलिए दोस्तों थोड़ा बहुत खुश रहते, नहीं तो अंदर से नहीं पूरा का पूरा टूट गए हैं। एक बार नहीं दोस्तों, दो बार ऐसे मेरे साथ हो चुका है, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। ऐसे तो डॉक्टर साहब बोले थे कि मतलब अब जो है अब से इस ऐसे नहीं होगा, रिस्क लिए हैं वो, 3-4 महीने तक का दवाई दिए हैं, और फिर 5-6 रोज़ के बाद जाएंगे दवाई लेने के लिए। वहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे थे, और मतलब जब रोते थे ना तो इतना अच्छा से बात करते थे कि रोना पूरा शांत कर देते थे, बहुत अच्छे से इलाज किए हैं, और अभी तो दवाई चल ही रही है दोस्तों। तो आप लोग से यही शेयर करना था कि ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं थे, बाबू होने वाला नहीं था, बाबू था होने वाला, तो 2 महीने का था नहीं रहा, तो क्या कर सकते हो इसके लिए, तो दवाई सब चल रही है, फिर भगवान की कृपा से ठीक हो जाए। आप लोग दुआ करिए, अगर ठीक हो जाए तो आप लोग का बड़ी मेहरबानी होगी, और हम भी
अपना टाइम टेबल खाना उना खाते हैं। पहले तो ऐसे गुस्सा से टेंशन से नहीं खाते, कुछ भी चीज़ का टेंशन हो जाता तो बहुत ज़्यादा होता था। और बहुत ज़्यादा आदमी दोस्तों मतलब खुश होते हैं कि बहुत सारे आदमी हमारे घर के लोग ही, हमारे वहाँ मायके के लोग हैं, किसी को बोले थे कि उनको कभी बच्चा नहीं होगा दोस्तों, नहीं देने का रहा था। बहुत बोलते थे कि इनको मतलब आँख भी नहीं देखेंगे, लेकिन दो दो बार तो आँख देख चुके हैं, लेकिन नसीब में नहीं था। मेरा शरीर का ही दोष है, शरीर में इतना ज़्यादा उपथली था, पंजरा में सूजन था, इसलिए के दिक्कत हो गई अब की बार। नहीं तो आप लोग को गुड न्यूज़ तो था ही, बहुत सारे आदमी बोलते भी थे कि दीदी जी गुड न्यूज़ है, कब सुनाइएगा कब सुनाइएगा, लेकिन इसलिए नहीं सुना रहे थे। पहले ही अल्ट्रासाउंड में निकल गया था कि ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग से नहीं बता रहे थे। जब हम सोचे थे 3-4 महीने का हो जाएगा तो फिर आप लोग से ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन नहीं रहा तो वो भी शेयर करना पड़ रहा है दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख है इसलिए शरीर में दुख अभी नहीं ज़्यादा टाल, कोई भी चीज़ नहीं कर पाते। अभी भी वजन उठाते हैं तो पैर दर्द करने लगता है, डॉक्टर जैसे बोले अभी कोई भी काम करने के लिए नहीं। ऐसे तो पहले भी 2 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट में दिए थे, लेकिन नहीं रहा, भगवान की मर्जी। जो कहते हैं बहुत सारे आदमी, बहुत दीदी भैया सब आए समझाए, बोले जो भगवान देते हैं छीनते हैं तो वो फिर देंगे ही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। अगर जो नहीं होने का रहता तो भगवान देते भी नहीं ना। तो यही बात शेयर करना था आप लोग से दोस्तों, बहुत दुख वाली बात है, हमें तो बहुत दुख होता है जब ये बात बोलते हैं दोस्तों, बहुत रोना आ जाता है, लेकिन क्या करेंगे, फिर भी दिल को बांधना पड़ता है। जिस रोज़ ऐसी बात सुने थे ना हम, जैसे मतलब मैडम जी वहाँ पे बोले डॉक्टर जी अल्ट्रासाउंड में कि मतलब फैलिट बता दिए 2 महीने के बाद, एक बार गए तो बोले कि ठीक है 7 दिन तक रेस्ट कीजिए और फिर आइएगा तब देखेंगे क्या स्थिति है। फिर गए थे तो फिर बताए ना तो बहुत रोना आया, वहाँ पे इतने ज़्यादा आदमी थे ना, सब बोले थे क्या हुआ, लेकिन उस रोज़ हम इतना टेंशन, इतना मेरा दिल रोता था ना, इतना रोता था कि हम किसी से बात भी नहीं कर पाए। बहुत आदमी सोचते होंगे कि मतलब घमंड हो गए, नहीं दोस्तों हम उस रोज़ नहीं बात कर पाए थे, तो इसके लिए हम अभी सॉरी मांगते हैं, क्योंकि मेरा दिल बहुत टूट चुका था। सब बोलते थे, हमारी नाना जी हस्बैंड जी सब गए थे साथ में, हमसे ज़्यादा तो कहीं हस्बैंड जी को मेरा बहुत दिक्कत हुआ, बहुत। ये दिखा करके नहीं रोए, लेकिन अंदर अंदर इनका इतना कमजोरी बढ़ गया ना, मत पूछिए। बताइए दोस्तों, सोचने वाली तो बात ही है, लेकिन क्या करेंगे। अभी कोई बच्चे सब थे और हमारे हस्बैंड जी ना मम्मी ना पापा भी नहीं है घर में, इसीलिए आप लोग से शेयर कर रहे हैं ये सब बात, नहीं तो नहीं करते। इस टेंशन से सबको जो है ना टेंशन हो गया है, क्या फिर भगवान देने का था, नहीं देने का था तो नहीं देते, लेकिन दे के शरीर का गज्जन हो गया है, इतना ज़्यादा दिक्कत से मत पूछिए दोस्तों। इसी में बहुत ज़्यादा रुपया लग गया, इसीलिए आप लोग से कहते हैं दोस्तों कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करते करते यहाँ तक तो ला दिए हैं, और आगे आप ही लोग बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा कुछ बोलने से पूरा मतलब दिल टूट जाता है, याद जब भी आता है ना तो बहुत दिल टूटता है, फिर क्या हो रहा है मेरे साथ, आज हम क्या किए, आज मेरे साथ ऐसे हो रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों दूसरे के घर में रहते तो इतना सेवा पाने किसी का नहीं होता जितना मेरा हो रहा है। और इस स्थिति में अपना से ना हम कपड़ा धोते हैं, जो पहनते हैं ना अपना से कपड़ा भी नहीं धोते, अपना से ना खाना लेते हैं ना थाली धोते हैं। हमारी छोटी वाली नाना था और जो भांजी को रखे हैं दोस्तों, वही बेचारे सब जब होता है दीदी टाइम टेबल खाना बना के देती है, उनका गुण कैसे भूल जाएंगे। ऐसे तो दोस्तों आप अपना बहन नहीं करती होगी जिस तरह हमारे ननद कर रही है, तीनों टाइम का खाना जब मन मतलब अपने मन से, आज सेवा बनाते हैं तो कल खीर, कल दाल पूरी, कल वो अपने मन से ये खाओ खाओ किसी भी तरह खाओ। बताइए तो ऐसे ननद तो भगवान सबको दे कि इस तरह माने, कहो भी अपना पे भी होता है, हम भी मानते हैं तो आज हमको भी मान रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ शरीर का कष्ट है हमको। ऐसे तो सेवा आप लोग देखभे करते हैं, भांजी सारा चीज़ देती है खाना पीना, एक घर में ही लाके खाना वाना दीदी बनाती है, आज 1 महीना से कंटिन्यू है, उनको भी घर में काम धंधा है। सोचे थे भगवान अगर जो सही कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन नहीं कर पाए सही, इतना शरीर में कष्ट देना था दे ही दे, लेकिन अब भी सही कर दीजिए भगवान से, यही प्रार्थना करते हैं। और आप लोग भी दुआ कीजिए दोस्तों कि हम ठीक हो जाएं। हमारे अंदर क्या बीतते हैं ना दोस्तों वो हम ही लोग जानते हैं, क्या अभी हमारे साथ बीत रहे हैं,
और उस रोज से जो पूर्णिया से आए तो थोड़ा सा भी शरीर में ताजगी नहीं लग रहा, थोड़ा सा भी नहीं लगता है। चलते हैं तो पूरा देह घूरने लगता है, इसलिए ना ज़्यादा कहीं जाते नहीं करते। और रील्स आप लोग भी देखते हैं कि नहीं, रील्स बना पाते ना वीडियो बना पाते, क्या करेंगे। समांग शरीर ठीक रहेंगे तब तो बनाएंगे ना, आप लोग से शेयर करेंगे ना, जब सही रहता तब शेयर करते हैं। तो कभी सही कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा शरीर हो गया है मेरा, क्या बताएंगे अब। तो बहुत रोना रोने लगे हैं, बहुत ज़्यादा हम रो देंगे। रोते हैं तो माथा में दर्द, चारों माथा के दर्द से परेशान हो जाते हैं, जैसे रोए, इसलिए हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। इसीलिए कहीं एक एक टेंशन के चलते बहुत चीज़ नुकसान हो जाता है, इसीलिए हम नहीं लेते हैं ज़्यादा अब टेंशन। फिर भी दोस्तों बहुत हम सोचते हैं कि हम टेंशन भुला करके, सब बात भुला करके हम अपने अच्छे से ज़िंदगी जिए, लेकिन नहीं संभव हो पाता। फिर भी वो सब दर्द आ ही जाते हैं अंदर में, क्या करेंगे। ऐसा किसी रोज़ नहीं होगा दोस्तों कि जिस रोज़ हम नहीं रोते होंगे, हर एक दिन कभी न कभी याद आ जाता है तो बहुत रोते हैं बहुत। लेकिन हमारे हस्बैंड जी इतने मतलब साथ देते हैं, ऐसे रहते हैं कि हंसाते खेल के, जब अकेला पड़ते हैं ना तब बहुत रोना आता है, तो क्या करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं अंत कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।